तो दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये तो K20 सीरीज के लिए है। हाँ भाई K20 सीरीज के लिए ही है भाई, फीचर बहुत ही अच्छा है। हाँ भाई फीचर बहुत बहुत बढ़िया है। हमें तो नहीं मिलेगा भाई। नहीं भाई हमें नहीं तो मिलेगा। फिर तू क्यों वीडियो बना रहा है? तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार थोड़ा सा मजाक किया है, प्लीज बुरा मत मनाइएगा। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप MIUI 11 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे अनेबल कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ रेडमी के 20 सीरीज के लिए ही दी गई है, क्योंकि उसमें एमोलेड स्क्रीन है और ये उसे ही सपोर्ट करती है। बाकी सारे रेडमी के डिवाइसेस में हमें LCD स्क्रीन देखने को मिलती है, इसीलिए ये सपोर्ट नहीं करती। दोस्तों अगर आप अपने डिवाइस में अनेबल कर लेते हैं ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, पर आप जो है वो इसे ज़्यादा देर तक मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये LCD स्क्रीन के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं, काफ़ी क्लॉक्स मिल जाती हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं जो आप अपने डिवाइस की लॉक स्क्रीन में लगा सकते हैं। पर दोस्तों इसको अनेबल करने के लिए आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आपके फ़ोन में कस्टम रिकवरी, कोई भी कस्टम रिकवरी हो सकती है, वो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। उसके बिना आप दोस्तों इसे जो है अनेबल नहीं कर सकते। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मिस कर देंगे। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैं जो है इंडिया का रोम यूज़ कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं किस प्रकार से आप इसे अनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपना फ़ोन जो है वो रीसेट कर लेता हूं ताकि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना डिवाइस रीसेट कर लिया है और यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi 7S की फाइल्स मिल जाएंगी, यानी कि zip फाइल, और एक फाइल आपको मिल जाएगी जो सभी डिवाइसेस में काम करती है। दोस्तों ट्राई कर लीजिए, मेरे हिसाब से जो है आप अपने डिवाइस में अनेबल कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मेरे डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि मैंने अपना डिवाइस रीसेट कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैं वही डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, Redmi Note 5 Pro, इंडिया का रोम है, ग्लोबल स्टेबल रोम नहीं, इंडिया का स्टेबल रोम। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने डिवाइस में जो है यानी कि सेटिंग्स में जाकर अपने डिवाइस को कस्टम रिकवरी में बूट करना है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यहां पर आपका डिवाइस जो है वो कस्टम रिकवरी पे बूट हो जाएगा और जो आपने फाइल डाउनलोड की हुई है, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दी थी आपको, उसे जो आपने डाउनलोड की होगी उसे आपने फ्लैश करना है जहां पर भी आपने रखी हुई है। तो यहां पर जाके जो है सीधा फ्लैश कर देना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर जो कम से कम जो है दोस्तों 10 से 15 सेकंड लगेंगे, उसके बाद आपने डिवाइस को रीबूट कर देना है। तो दोस्तों 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला, और उसके बाद अपना आपने जो है अपना डिवाइस को अनलॉक करके अंदर जब जाएंगे तो आपको सेटिंग्स में जाकर अगर देखेंगे तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों आपका फ़ोन ब्रिक ब्रू कुछ नहीं होगा, आपके डिवाइस को कुछ नहीं होगा, ये काफ़ी आसान तरीका है, आपको रूट की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वही रोम यूज़ कर रहा हूँ, ये वही डिवाइस है, सब कुछ वही है, पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी तरीके से चल रही है, बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो MIUI 11 में हमें देखने को मिला है, पर हमें नहीं देखने को मिला क्योंकि हम दूसरे Redmi के डिवाइस यूज़ करते हैं, पर आप इसे अनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में कि आप अपने डिवाइस में कैसे अनेबल कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।